आज हमारे साथ जुड़ रही हैं 64वीं बीपीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पद पर चयनित कल्पना शुक्ला जी मैम। इन्होंने अपने द्वितीय प्रयास में ये सफलता हासिल की है, वर्तमान में भी ये जॉब में हैं और इनकी सफलता इस मायने में भी अहम है कि एक लड़की होते हुए और नौकरी के साथ सफलता प्राप्त करना, और इससे पहले इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग का PSIR के साथ इंटरव्यू भी दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि इस बार जो बीपीएससी में PSIR का जो सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ है इन्हें, यानी 193 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो कल्पना जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सर। व्यूअर्स के साथ आप अपनी जर्नी, सफलता की जो आपकी जर्नी रही है उसकी बारे में कुछ बताइए। बेसिकली हम स्टार्ट किए थे सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के साथ ही स्टार्ट किए थे, बट साथ साथ मैंने स्टेट सर्विसेज स्क्रीम की भी एग्जाम्स दिए हैं और इसी प्रोसेस में मैंने बीपीएससी का भी एग्जाम दिया था। तो पहला प्रयास मेरा 62-62 सेकेंड वाले में था, जिसमें कि फाइनली मेरा लिस्ट में नहीं आ पाया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से इस साल ये जो 64th वाला था उसके बाद हम दिए थे, तो इससे मेरा 233 रैंक आया है। साथ साथ वही सिविल सर्विसेज का प्रिपेयर कर रहे थे तो, और अभी फिर ये SSC वगैरह का भी एग्जाम साथ में दे रहे थे, तो उसके थ्रू ही मेरा असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिस असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो अभी मैं फिलहाल वही पे पोस्टेड हूँ CAG में। कल्पना जी, PSIR का प्रारंभिक परीक्षा से ही रोल शुरू करते हैं कि एक PSIR के स्टूडेंट को प्रीलिम्स में क्या बेनिफिट मिलते हैं? देखिए आजकल जहाँ तक मुझे समझ आता है, आजकल जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब कुछ पार्ट तो फैक्चुअल होता है बट कुछ पार्ट होता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे हिसाब से जो PSIR के जो पार्ट्स हैं, एक तरफ जो थिंकर्स वाले पार्ट्स हैं या फिर एक तरफ जिसमें कि पॉलिटी वगैरह आ जाता है या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, तो वो जो है उससे प्रेलिम्स का जो करेंट वाला पार्ट है, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड हो, वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाता है मेरे हिसाब से, काफी डेप्थ में। तो अगर क्वेश्चंस को थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जाए तो वो हेल्प करता है। और आपने जॉब के साथ से परीक्षा निकाली है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप जो कि इस समस्या में रहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, टाइम पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस के कारण, तो उनके लिए क्या कहेंगी आप? देखिए मेरे एक्सपीरियंस से तो कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये दिमाग में से पहले एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जॉब है, उसको करना है और जॉब की तरह ही करना है। और दूसरी बात ये एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि पॉसिबल है, मतलब मैटर ये नहीं करता है कि दिन में 14-15 घंटा पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मैटर ये करता है कि अगर 5-6 घंटे पढ़ाई हो रही है तो उसकी क्वालिटी क्या है और कितना कंसिस्टेंटली वो हो पा रहा है। तो अगर मतलब दिन में हर दिन अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे 5 4 5 6 घंटे भी निकल जा रहा है, और बाकी जो संडे वगैरह होता है तो उसमें फिर उसको कंप्लीट करके किया जा सकता है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट तो हम शुरू में मुझे भी ये सारी दिक्कतें आती थी, तो यही मेरे को रियलाइज हुआ कि ज्यादा टाइम वेस्ट हम यही इसी में करते थे कि सोचते थे कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कैसे इतना कम टाइम में कैसे होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए कि यही है सिचुएशन, तो आई थिंक कि किया जा सकता है। आपका जो ऑप्शनल पेपर है PSIR, पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में एक समाज में इस तरीके का फैला हुआ है कि जिसकी एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होती उसके लिए सब्जेक्ट बहुत मुश्किल होता है, उसके नंबर नहीं आते, लेकिन आपने बीटेक बैकग्राउंड के बाद भी 193 नंबर स्कोर किया है बीपीएससी में, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही और आपने कोचिंग क्लासेस की मदद ली, नोट्स की मदद ली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, चाहे वो अपने मतलब ग्रेजुएट बैकग्राउंड का हो या फिर नॉन ग्रेजुएट बैकग्राउंड का हो, पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि कुछ भी पॉसिबल है। अगर पहले ही से ही दिमाग में रिजेक्शंस रहेगा तो वो फिर हाफ हार्टेड एफर्ट लगता है उसमें। दूसरा बात ये कि अगर मतलब ये जो सब्जेक्ट है PSIR, मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए है क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तब ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट और जो Part 1B होता है जिसमें हम इंडिया के करेंट अफेयर्स और सारा पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था। और जनरली हमारे कोर्सेज में स्कूल या फिर कॉलेज में ये सब पढ़ाते नहीं है,
और प्लस मेरे को ये भी लगता था कि इसका जीएस और जनरल स्टडीज वगैरह में भी बहुत हेल्प मिल सकता, तो मैंने इसी से शुरुआत करी थी। और आगे जब पढ़ते गए तो फिर और ज्यादा चीजें उसमें समझ में आती गई, तो फिर उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। अब हाँ, ये बहुत जरूर है कि मतलब अपना सोर्सेस हमेशा क्लियर होना चाहिए कि हमको कहाँ से पढ़ना है, या कल सब्जेक्ट में चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ज्यादा टाइम इस प्रोसेस में वेस्ट होता है कि पता ही नहीं, क्लैरिटी नहीं होता इस चीज से कि आखिर पढ़े क्या और कितने जगह से पढ़े। तो अगर सोर्सेस लिमिटेड है और उनको बार बार पढ़ा जाए तो आई थिंक वो मोर देन इनफ होता है। तो जहां तक ये पीएसआई का बात है, तो कोर तो मैंने जो ये बेसिक टेक्स्ट बुक उसका आता है ओपी गोवा का, जो पॉलिटिकल थ्योरी पे आता है, वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने ये शुभ्रा रंजन मैम की क्लास करी थी, तो एक बेस वहां से मिला। फिर आगे जब आगे और तैयारी करते गए तो थोड़ा बहुत ये इग्नू वगैरह का मटेरियल से किया। उसके बाद फिर मेन जो है, इतना करने के बाद इसको कॉन्साइज करके शॉर्ट नोट्स बनाना, उसको बार बार पढ़ना, और उसके बाद फिर लिखने का प्रैक्टिस करना। मेन है कि हम कितना भी पढ़ लें, एग्जाम में तो एग्जामिनर वही देखता है जो हम लिखते हैं। तो ये क्लियर होना और इसमें स्मार्ट होना कि क्या लिखना है एग्जैक्टली, वो बहुत जरूरी है। और वो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, जहाँ जैसे कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और जो हमें कई बार रिमाइंड भी कराया गया है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं, उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि एक ही क्वेश्चन को कितने बार लिखो। क्योंकि आप एक क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार लिखते हो, आपको तीसरी बार में रहेगा, अरे फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट बार में हम लिखे, हम ये नहीं लिखे, हम इसमें ये भी लिख सकते थे। तो ये एक चीज है। दूसरा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो एक सब्जेक्ट है वो काफी करंट ओरिएंटेड है, तो उसमें इस बात पे कभी डिपेंड नहीं किया जा सकता कि जो हमारे पास बस एक मतलब बेसिक नोट्स है बस वही पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से उसके लिए करंट अफेयर्स को हमेशा अपडेट करते रहना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर हम जनरली फॉलो करते हैं, तो उसका एडिटोरियल कुछ उसमें जो लोग अपना ओपिनियन पेज लिखते हैं, सी राजा मोहन हुए, आशुतोष वार्ष्णेय हुए, इन लोग का कॉलम्स फॉलो करते हैं। दूसरी बात कि कुछ चैनल्स जो कि अच्छे लगे, जैसे यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत जगह पे बहुत सारा कंटेंट आता है, कुछ भी जो अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये शेखर गुप्ता का कट द क्लटर बहुत पसंद है, या फिर ये राज्यसभा टीवी पे बिग पिक्चर आता था वो, और अभी भी आता है, तो वो रेगुलरली फॉलो करते हैं। तो ये सब से क्या है कि एक कंटेक्स्ट मिलता रहता है और जो उसका करेंट पार्ट है वो हमेशा अपडेट होता रहता है। आपको नया नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा ये हो सकता है, ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं, वैसे भी इसमें लिख सकते हैं। तो लास्ट में होता क्या है कि जो अपना बेसिक नोट है वो तो एक एक तरह स्केलेटन है ही, लेकिन उसके ऊपर ये सब जो है हमेशा ही वैल्यू एडिशन का काम करता है। तो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना मुझे लगता है कि कांस्टेंट प्रोसेस है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो भी आपका ऑप्शनल को एनरिच करेगा। आप किसी से बात कर रहे हो या डिबेट कर रहे हो, वो भी आपके ऑप्शनल को एनरिच करेगा, मतलब मीनिंगफुल डिबेट्स इन द सेंस। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम बस उसमें अलर्ट रहें तो हम काफी कुछ ऑब्जर्व करके उसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो ये एक चीज है। दूसरा ये कि जब हम आंसर लिखते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इसमें हमेशा इस बात का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए कि आंसर्स में फ्लो रहे। जब हम या और उससे पहले हमें पता रहे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जनरली ये होता है कि अगर प्लेटो पे कोई क्वेश्चन आता है तो हम पहले वो लिखने लगते हैं जो हमें आता है प्लेटो पे, लेकिन बेटर ये होगा कि आप क्वेश्चन को दो बार पढ़ लें और आप इस बात पे श्योर हो जाए कि आखिर वो पूछ क्या रहा है, और उसके बाद आप 20-30 सेकेंड अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाए और तब उसको लिखें, तो आपका आंसर जो है वो बेटर स्ट्रक्चर होगा। जैसे प्लेटो का ही इंट्रोडक्शन अगर लिखना है आंसर में, तो वो कई तरीके से लिखा जा सकता है डिपेंडिंग ऑन कि पूछा क्या जा रहा है। तो कभी भी इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि क्या लिखें क्या नहीं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहिए कि हम क्या लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि ये सब हो सकता है। और एक लास्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि पॉलिटिकल साइंस में चार पार्ट होते हैं, 1A जिसमें कि थ्योरी होता है, 1B जिसमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम होता है, 2A जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होता है, और 2B जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब रहता है। तो जनरली ये ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम लोग एक पार्ट के क्वेश्चन में बाकी से रिलेट करें तो एक बहुत अच्छा आंसर को रिच बनाता है।
जैसे अगर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में लिख रहे हैं और कहीं पे हमें लगता है कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो जो पेपर वन में जैसे मिल हो गया या फिर कोई और थिंकर हो गया, तो उसे रिलेट कर देना। तो एक तरह से जब ऐसा लगता है कि हम लोग हर पार्ट को एक दूसरे पार्ट में यूज कर सकते हैं, तो आंसर को काफी रिच बनाता है। तो ये सारी चीजें जो मैंने ट्राई करी यूज करने के अपने आंसर्स में, एंड सो फार सो गुड। देखते हैं आगे क्या होता है। आपके इंटरव्यू में कोई फीमेल मेंबर थी? हाँ, एक जो हमारी बोर्ड की चेयरमैन थी वो फीमेल थी। पीएसआईएस से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया आपसे इंटरव्यू में? हाँ, काफी प्रश्न पूछे गए। एक्चुअली उस दिन बजट रिलीज हुआ था, मेरा इंटरव्यू बजट के अगले वाले दिन था, तो मेरा इंटरव्यू बस इंटरनेशनल रिलेशंस और बजट और मेरे जॉब पे, ये तीन चीजों पे ही फोकस था। तो कुछ तो प्रश्न काफी साझा सारी, कीजिए। जैसे इजिप्ट में जो या अरब स्प्रिंग में जो आया था उसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी, और एक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का हिस्ट्री कि वहां पे अरब स्प्रिंग आया या फिर वहां पे डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ, तो उसमें कौन सा लीडर था, वहां पे क्या इश्यूज था, या फिर अफ्रीका में कहाँ सिविल वॉर हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें पूछी गई। और उसके बाद फिर अमेरिका और रशिया के रिलेशंस पे कुछ क्वेश्चंस थे कि क्या हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते, कैसे नहीं। और फिर चाइना से रिलेटेड तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चंस होंगे ही, इंडिया में हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस थे उससे भी रिलेटेड। और उसके बाद फिर इंटरव्यू जो है वो बजट पे चला गया था कि आप एनालाइज करो कि क्या बजट मिला है या फिर इससे इसका क्या मीनिंग है ये सब, और बाकी फिर मेरे जॉब से ही रिलेटेड था। जो पीएसआई से प्रश्न पूछे जाते हैं तो क्या उनके लिए आपको जैसे आईआर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जवाब यस या नो में तो दिए नहीं जा सकते, तो क्या उसके लिए कैंडिडेट को टाइम दिया जाता है 2 से 3 मिनट के, मतलब वो अपनी बात को पूरी तरह से रख सके? हाँ बिल्कुल, 2 से 3 मिनट पता नहीं, ये शायद गारंटी के साथ नहीं कह पाएंगे, बट अगर उनको ऐसे बोलते हैं कि मैम मुझे कुछ सेकंड्स चाहिए अपने थॉट्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो लोग 30-40 सेकंड्स देते ही हैं। और हाँ, ये जरूरी, मतलब जरूरी नहीं कि हम यस या नो में आंसर करें, मतलब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप बहुत कन्विंस्ड हैं कि इसका आंसर यस ही है, तो फिर मतलब जबरदस्ती बैलेंस्ड आंसर देने का भी ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर सही लॉजिक है, अगर पता है कि थॉट प्रोसेस ठीक है, तो फिर एक स्टैंड लिया जा भी सकता है। अभी कुछ दिन बाद 65वीं बीपीएससी, उसका रिजल्ट आने वाला है, उसका मेंस का रिजल्ट। तो उनमें जिन बच्चों को आसान भी थे इंटरव्यू के लिए और उनका ऑप्शन पीएसआईआर, तो उनको अभी से क्या करना चाहिए कि उनको इंटरव्यू के लिए कुछ एडवांटेज मिले, वो औरों की तुलना में कुछ आगे रहें? मेरे हिसाब से तो उन लोगों को अभी जो भी पिछले 3-4 महीने में जो करंट अफेयर्स रहे हैं उसको ठीक से फॉलो करना चाहिए, और अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कल इंटरव्यू है तो आज रात तक, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ, उस दिन ये हुआ था म्यांमार या कहीं पे वो जो मिलिट्री कू हुआ पॉपुलर था, हाँ वो जस्ट एक दिन पहले हुआ था जब मेरा इंटरव्यू था। तो ये भी क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में उन लोगों ने पूछा था कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्या है। तो अगर कल सुबह तक इंटरव्यू है तो सुबह तक का जो न्यूज है वो तो मतलब फॉलो कर ही लिया, और लास्ट का 3-4 महीने का फॉलो कर लेना मेरे ख्याल से बेटर रहता है। और कुछ बेसिक चीजें जो पॉल साइंस की मस्ट है, फॉर एग्जाम्पल जो थिंकर्स वगैरह हैं वो एक बार रिवाइज कर लेना सही है, जो कोर थ्योरीज हैं वो रिवाइज कर लेना सही। और कुछ कुछ चीजें जैसे कि अरब स्प्रिंग, वो इतनी पुरानी चीज है कि मतलब ऐसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि आपसे एकदम से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। 2011-12 का चल रहा है, लेकिन वो एक तरह से पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसको मिस नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको दोबारा से रिवाइज कर लेने पर आई थिंक बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे अभी करंट में इसराइल और फिलिस्तीन के इशू चल हाँ रहा है बिल्कुल काफी बिल्कुल, न्यूज और में, सिर्फ ये जानना ही मेरे हिसाब से काफी नहीं है कि हो क्या रहा है, उसका चीजों पे क्या इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी। और ये भी कि उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी होता है कहीं ना कहीं से हर कंट्री पे उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है, तो वो भी सोच लेना एक तरह से अच्छा और अगर प्रिपरेशन। कुछ ऐसा आप अगर पॉइंट आप सोच सकते हैं जिसमें बिहार भी आप अगर अफेक्टेड होता हो, तो अगर कोई ऐसा हाँ इशू बिल्कुल है तो उससे क्या किया जा सकता है?
फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे वैक्सीन का है, तो थोड़े टाइम पहले सेंटर ने कहा था कि स्टेट्स को डायरेक्टली वैक्सीन के लिए ग्लोबल मार्केट में डील करना चाहिए, और ये टेंडर देने का स्टेट स्ट्राइक कर रहे थे। तो उसमें बिहार का क्या सिचुएशन रहा, उसमें कितना बिहार को उसमें सक्सेस मिला नहीं मिला, क्या इश्यूज आए, अगर ये कहीं से मिल सकता है तो ये मतलब बहुत अच्छा एनालिसिस होगा। इससे बस ये पता रहना चाहिए कि हाँ आप अवेयर हो कि क्या हो रहा है आसपास, और समझ रहे हो कि चीजों का इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि जब कोई जाता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में तो उससे तो ये एक्सपेक्टेड रहता ही है कि ये चीजें उसे पता रहे, तो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। कल्पना जी, आपकी सफलता की यात्रा में उन लोग कुछ लोग रहे होंगे जैसे आपने एक्सपीरियंस देखी होगी जो टीवीएफ की सीरीज आई थी, हर के लाइफ में संदीप भैया होते हैं, तो आपके भी लाइफ में कुछ इस तरीके के लोग रहे होंगे जो आपको इन जर्नी पूरा सपोर्ट किया होगा उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो सीरीज जो है बहुत मायने में बहुत सारी चीजें उसमें सही भी थी, उसमें से एक ये भी है जो आप कह रहे हैं, तो हमें सिर्फ एक चेहरा दिखता है लेकिन उसके पीछे जो है बहुत लोगों का सपोर्ट, उनका बिलीफ और उनकी ब्लेसिंग्स होती है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा है, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, जिन्होंने मुझे कभी भी किसी भी तरह से मतलब परेशान नहीं होने दिया, हमेशा हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया और मेरे एबिलिटीज में हमेशा बिलीव किया, तो वो तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मेंटल सपोर्ट है रहा है मेरे लिए हमेशा ऑल थ्रू। फिर मेरे जो मेंटर्स हैं या टीचर्स हैं या जो भी लोग हैं जिनसे मैंने कुछ सीखा कुछ पढ़ा, उन लोग को इसका क्रेडिट बिल्कुल जाता है, बिकॉज अगर वो नहीं होते तो शायद हम कर नहीं पाए होते। दूसरे मेरे फ्रेंड्स जो जिनके साथ मैंने पढ़ाई की, जिनसे मैंने डिस्कशंस किए या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, ये सब किया, तो उन लोगों का भी बहुत क्रेडिट है। तो इस आप अभी आपके सामने बैठे हैं तो इस चैनल से हम उन लोग सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं, और जो मेरे टीचर्स हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं कि उनकी वजह से हम यहाँ पे हैं, और मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, सबसे ज़्यादा तो मैं उन्हें थैंक्स करना चाहती हूँ। और एक चीज मैं और भी ऐड करना चाहती हूँ कि बिहार झारखंड जो एरियाज हैं अभी भी बाकी इंडिया के रिलेशन में थोड़ी सी यहाँ पे डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी को भी, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की हो, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ अपने दिमाग का लिमिटेशन होता है, हमेशा इस पे बिलीव करना है कि हाँ कर सकते हैं। ये हो सकता है कि उस पे टाइम हर किसी के लिए अलग अलग रहेगी, बट अंत में सबको सबका अच्छा हो ही जाता है, तो बस यही कहना चाहते हैं। आप ऑलरेडी जॉब में थी पहले से, और जैसा कि एक समाज में स्टीरियोटाइप माइंडसेट बना हुआ है कि लड़कियों को जॉब लगने के बाद फिर शादी का दबाव बनने लगता है, तो इस मैटर पे फैमिली की तरफ से आपका कोई दबाव या इस तरह की कोई चीजें हैं? देखिए हम इंडिया में रहते हैं, ये तो रियलिटी ही है कि हमारे सोसाइटी में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, लेकिन आई थिंक हम इस मामले में इस वजह से लकी हैं कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उन लोगों को भी ये सारी बातें बहुत बार उन लोगों के सामने आती हैं, बट दे आर वेरी श्योर, एंड उन्होंने मुझे कभी इस बात के लिए बॉदर नहीं किया, उन्होंने हमेशा मेरे को करने दिया जो मैं करना चाहती थी, तो इस वे में आई एम वेरी लकी। बट हाँ मैं कहना चाहती हूँ कि द गर्ल्स हु आर नॉट, जिनके पास जो जिन्हें इस तरीके की भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उनके लिए जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो मेंटल प्रेशर हैंडल करना उतना ईजी नहीं होता है। लेकिन तभी भी मेरे हिसाब से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखना चाहिए, और ट्राई करना चाहिए कन्विंस करने का, और साइड बाय साइड इतना मेहनत करते रहना चाहिए। जब हो जाता है तो कुछ नहीं होता, सब लोग समझ जाते हैं, तो अपने एबिलिटीज पे भरोसा रखना होता है और मेहनत करना होता है, तो बस इतना ही समझे। कल्पना जी से इस पूरी बातचीत के दौरान आपको एक सीख तो मिली ही होगी कि अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो आपको खुद पर विश्वास रखना होगा, और आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए आपको लगातार तत्परता के साथ मेहनत करनी होगी। अगर आप ये दोनों चीजें करते हैं तो आपको अंततः सफलता जरूर मिलेगी। और कल्पना जी ने स्टीरियोटाइप सोच को भी तोड़ा है,
पीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट जिसको कि माना जाता है कि मेन डोमिनेटेड एरिया जो है पीएसआईआर, उस सब्जेक्ट को लेकर और उसमें सबसे सर्वोच्च अंक स्थापित लाकर इस चीज को स्थापित कर दिया है कि पीएसआईआर भी लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। कल्पना जी, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू आपको कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो वेलकम। मच।